हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। पूरी दुनिया ये चाहती है कि वीटू पावर इंडिया को भी मिले। अगर ये वीटू पावर ना मिली तो भारत को इसमें हट ही जाना चाहिए, बिल्कुल निकल जाना चाहिए, क्योंकि भारत इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, उसका भी हक बनता है, उसका भी यही बनता है कि वीटू पावर उसको मिले। तो बिना किसी तरीके काउंटर करते हैं, सारी दुनिया क्या कहती है, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र में भारत को वीटो पावर मिले, इसके लिए यूरोप के एक देश ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ कह दिया है कि हम भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए दुनिया के किसी भी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार है। ये देश कोई और नहीं बल्कि रूस का जिगरी यार बेलारूस है, जिसने सामने से चीन को चेतावनी दी और जिनपिंग की टेंशन बढ़ा दी कि उनका देश भारत का स्थायी सदस्यता पर समर्थन करेगा। रशिया ने ये कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं एज अ फॉर अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये बशानी साहब एक बड़ी यूनिक पोजीशन है। नो, मोस्ट कंट्रीज आर इन सपोर्ट ऑफ इंडिया गेटिंग अ परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल। इट्स अ वीटो पावर ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री व्हिच हैज हेल्ड बैक दिस। ऑल द अदर कंट्रीज इन द सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स are in favor of India having a seat at the permanent, and I do hope good sense will prevail in the future and we will get our rightful place. अपने एक स्टेटमेंट दिया है कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट नहीं है, ये तो एक मजाक हो गया। इंडिरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, वीटो पावर भारत के नाम होनी चाहिए। चाइना हर महाज पर जाकर खलल डालता है, हर महाज पर जाकर ओपोजिशन का मुजाहिरा करता है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। हमारी सीट इन यूएनएससी होगी, ज्यादा पीस की पसंद देते हैं अब तक, ठीक है सर। सबसे ज्यादा वैक्सीन हम दे रहे हैं, यूएन का कोई भी फूड प्रोग्राम हो हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। यूएन को हमारी जरूरत हो हम देते हैं। सर हम 20% ऑफ द आबादी है, हाउ कैन यू लीव 20% ऑफ आबादी, वी आर द यंगेस्ट यूथ ऑफ 800 मिलियन। अ क्वार्टर सेंचुरी हैज पास्ड, द वर्ल्ड एंड आवर फ्यूचर जनरेशंस कैन नो लॉन्गर वेट। हाउ मच लॉन्गर मस्ट दे वेट? हमारी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी फिलॉसफी है, तो हम अपने रास्ता को आज भारत वही कर रहा है और बढ़िया चीज है, ये फिलॉसफी बहुत बढ़िया है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों धीरे धीरे अब उन देशों की संख्या बढ़ती जा रही है जो भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों बढ़ के एक और सदस्य जुड़ गया है, बेलारूस। रूस का पक्का दोस्त बेलारूस भी कह रहा है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। और इसी के साथ अब दोस्तों 123 देश हो गए हैं जो भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 4 वीटो पावर्स, यानी 5 वीटो पावर्स में से 4 वीटो पावर्स भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए। इसके साथ साथ 123 देश इंक्लूडिंग यूरोप के लगभग सभी देश और अफ्रीका के लगभग सभी देश और साउथ ईस्ट एशियन नेशन के सभी देश, गल्फ रीजन के अधिकतर देश, और 196-197 देश टोटल यूएन में, जिसमें से 123 और 4 ये, यानी 130 देशों का सपोर्ट तो भारत को मिल चुका है। और जो बचे कुचे देश हैं वो चाइना को छोड़ के हैं, और वो ये नहीं कह रहे कि भारत को वीटो पावर, वो तो कह रहे मिल गया तो भी अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब जो यूएन की अगली बैठक होगी, अगर उसमें भारत को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती है, इतने देशों के सपोर्ट होने के बाद भी सिर्फ एक बंदा चाइना कहेगा भारत को नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिलता है तो भारत को रहने का कोई फायदा नहीं है, यूएन को तुरंत छोड़ देना चाहिए भारत, कोई फायदा नहीं। उनको वीटो पावर के लिए सिलेक्ट किया जा रहा, बोला कि इनको वीटो पावर मिलनी चाहिए है। अभी क्या बोलते हैं, उनका मुकाबला तो चाइना के साथ हो रहा है, अगर उनको वीटो पावर मिल जाती है तो वो और कितना स्ट्रांग हो जाएंगे? देखिए इंडिया जितना भी स्ट्रांग हो सके वो चाइना को कम्पीट, अभी बहुत दूर है चाइना से, चाइना अमेरिका या रशिया से बहुत दूर है। आपको पता है रशिया से ज्यादा इकोनॉमी है भारत की, 5वें नंबर की, दुनिया की 5वें नंबर की बड़ी इकोनॉमी है। ये क्या वजह है कि चाइना हमेशा खलल पैदा करता है, दखल अंदाजी करता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले, लेकिन वर्ल्ड फिर भी चाह रही है कि उनको वीटो पावर मिले? देखिए जी, चाइना में वर्ल्ड की, चाइना के पास एक मोनोपोली है पूरी दुनिया में, चाइना पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली रूल कर रहा है, हर प्रोडक्ट हम जहाँ पे इस टाइम खड़े हैं यहाँ पे भी आपको 99% प्रोडक्ट वो चाइनीज मिलेगी, वो चाइनीज, उस जो आपने कोड भी खेला ये भी चाइना का, ये माइक चाइना का है, ये कोड नहीं है चाइना का, ये फ्रांस का है, लेकिन ये माइक जरूर चाइना के। इस पे देखे ना, चाइना एक इकोनॉमिकली रूल कर रहा है, अमेरिका को डर है कि चाइना सुपर पावर ना बन जाए,
अमेरिकन डॉलर खत्म करके चाइनीज येन को चाइना आगे लाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इस जारे में इवन के हर कोई उसको सपोर्ट करता है। आज रशिया ने ओपनली क्लेम किया है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में। तो क्या वजह लगती है कि इंडिया जो है इतना ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, डे बाय डे हर कोई उसके ऊपर रिजू कर रहा है। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, रशिया ऑलरेडी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज उसने ओपनली क्लेम कर लिया। आज रशिया ने ओपनली क्लेम किया है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, इंडिया को सिक्योरिटी देगा, यूएन जो है उसमें यूएन सिक्योरिटी देगा काउंसलिंग में। आप क्या समझते हैं कि डे बाय डे हर मुल्क इंडिया की तरफ रिजू कर रहा है, उसको सिक्योर कर रहा है, उसको इन्वेस्ट कर रहा है, हर चीज़ उसके लिए कर रहा है? पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, क्यों और कैसे? पाकिस्तान तो पीछे रह गया हमारे हुक्मरानों की वजह से ना, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, जो इंडिया वाली बात करें, रूस इंडिया के साथ तो वो पहले भी रूस तजारत कर रहा था और कर रहा है, और वो तेल भी उनसे ले रहे हैं, गंदुम भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो हमारे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि हमने रूस के साथ काम करना है कि नहीं करना। रशिया ने ओपनली क्लेम किया है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसलिंग में, वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। आपको क्या लगता है कि डे बाई डे जो सपोर्ट कर रहा है कोई ना कोई मुल्क इंडिया के साथ, क्यों कर रहा है, क्या रीजंस लगती हैं, और पाकिस्तान की तरफ कोई रिजू क्यों नहीं करता? ओबियसली देखें, जहाँ पे किसी को बेनिफिट नजर आएगा सबसे पहले तो वो उसी कंट्री की तरफ जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, जो क्रिएट कर दी गई है, रिजीम चेंज की जो आई है, उसके बाद हमारा जो मुल्की हालात जिस तरफ जा चुके हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आपने कहा है कि जो मुल्क की तरफ उसको मतलब फ़ायदा नज़र आएगा, क्या आपको लगता है कि क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान में सबसे जो मेन इस टाइम इशू चल रहा है वो हमारे आपस में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से काफी डिस्टरबेंस आ गई हुई है। आपने बोला है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को प्रेफर किया जा रहा है, तो भारत की तो आबादी चाइना को भी काट गई है। अब जो इंडस्ट्रीज उनकी कंट्री में लग गए, उनका जो टारगेट है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का है, तो दुनिया को उनसे खतरा क्यों नहीं है, चाइना से क्यों खतरा है? देखिए ना, इंडिया जिस साइड पे चल रहा है, चाइना की जो उनकी पॉलिसी है, चाइना की पॉलिसी है कि एक स्टेट टर्म हम यूज करते हैं, पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर एक स्टेट है। चाइना की पॉलिसी है कि डॉलर की मोनोपोली पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाए, डॉलर का यूज़ एक्सचेंज के तौर पे ख़त्म हो जाए। अब डॉलर के अगर चेंज ख़त्म हो जाए तो ऑब्वियसली चाइना सेकंड जो चीज़ है, चाइना सुपर पावर बन जाएगा। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो उनसे यूएस और बाकी जो उनसी पावर्स हैं वो इंडिया को आगे ला रही हैं। इंडिया जितना भी आगे चल जाए, इंडिया यूएस के अगेंस्ट नहीं जा सकता या यूरोप के अगेंस्ट अभी जाने के हक में नहीं है। सैंक्शंस लगती है ना, वो आंखें दिखा देते हैं, हम नहीं दिखाते। रशिया के तेल की मिसाल आपके सामने है, उनको बोला गया तुम लोगों ने रशिया से तेल नहीं लेना सैंक्शंस की वजह से, उन्होंने कहा तुम लोग कौन होते, उन्होंने रिपोर्टर को ऑन द कैमरा जवाब दिया हमारे आवाम के लिए जो होगा हम करेंगे, तुम लोग कौन होते हो? नहीं, इस तरह हमारे भी खान साहब ने जवाब दिया था, हमारे नहीं, हमारे ले नहीं पाए, लेकिन उनका एब्सोल्युटली नॉट एक जवाब था जो बड़ा मशहूर है। तब उसके लिए देखें ना, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया की 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 1.5 बिलियन से ज़्यादा आबादी है, जो दुनिया के 15% ऑफ द टोटल 8 बिलियन आबादी है दुनिया की, उसमें से 1.5% 15-20% इंडिया के पास है। अब आप इंडिया के दुनिया के 20% ऑफ द पॉपुलेशन को कम्पीट कर रहे हो, दुनिया के 2.5 फिर जापान के साथ कर लूँ मैं, जापान तो छोटा है, जापान के साथ कर लेती हूँ, अभी करें फिर जापान के साथ अगर हम कम्पीट करना चाहें ना, जापान की एक हिस्ट्री है, जापान की हिस्ट्री में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान एक दुनिया की सुपर पावर थी, उस टाइम जापान को कोई काउंटर नहीं कर सकता था, ना अमेरिका पकड़ सकता था, वो जो आइलैंड अमेरिका हांगकांग है, मैं एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद कर पाया, वो उस पर अटैक कर रहा था, जो छोटा सा आइलैंड है, मैं एग्जैक्टली मैं नाम देखिए आपने कहा है ना, सुनिए जापान की एक हिस्ट्री है। मैं जापान की ही बात करने लगी हूँ आपसे, आपने बोला ना उनकी पॉपुलेशन को आप हमारे साथ क्यों मिला रहे हो, तो मैंने जापान का छोटा रखा है, लेकिन उन्होंने उनकी तरक्की कितनी है कि दूसरा की तीसरी बड़ी वो इकोनॉमी है, हालांकि वहाँ एटॉमिक ब्लास्ट भी वहाँ पर हुआ, वहाँ की तबाही भी आपके सामने है। फिर अगर हम बांग्लादेश के साथ अगर अपना कंपेरिजन करते हैं तो तब आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश जापान पे पहले मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जापान एक सुपर पावर थी, जो आप कह रही है ना दो अटोमिक अटैक हिरोशिमा नागासाकी, तो शिबा कंपनी आपने नाम सुना, किस चीज़ की कंपनी है? सेल वगैरह उसी की आती है, सेल वगैरह उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पता है आपको, वो किसी दौर में टैंक्स बनाती थी। दोस्तों 197 में से 4 वीटो नेशंस का समर्थन, वीटो नेशंस मतलब जो ये परमानेंट मेंबरशिप के 4 देश हैं, मैंने बताया जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, रूस, ये सपोर्ट कर रहे हैं, 123 देश और सपोर्ट कर रहे हैं, बेलारूस ने भी अभी आज कह दिया भारत को मिलना चाहिए यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप। अब क्या सिर्फ चाइना की वजह से भारत जो है दुनिया में हमेशा के लिए यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप नहीं रहेगा यूएन में? ऐसी संस्था का क्या फायदा जहां 5 में से 1 बंदा उंगली कर दे तो सबके मत फेल हो जाएंगे?
ये तो यूएन में ही डिक्टेटरशिप है एक तरीके से। भाई ऐसे जो संगठन होते हैं उसमें उसका मतलब क्या होता है? सभी देशों की समान भागीदारी। अब चाइना कह रहा नहीं शामिल होना, बाकी 130 देशों की राय खारिज हो जाएगी, तो ये तो दोस्तों कतई गलत बात है। ठीक है, अगर भारत, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, और भारत के जो स्पोक पर्सन है यूएन में वो भी यही बार बार रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर यूएन के इस बार के बैठक में भारत को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती है तो भारत कुछ ऐसा कर जाएगा जो दुनिया के लिए एक्सपेक्टेड नहीं हो। इसका मतलब ये कि भारत यूएन को लीव कर जाएगा। कब तक भारत यूएन को फंडिंग कर रहा है? दुनिया के हर क्षेत्र में हम टॉप 5 में आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था छोटी है, पॉपुलेशन छोटी है, ग्रोथ रेट छोटी है। ठीक है, तो हर मायने में भारत ये कई मतलब टॉप 5 में स्टैंड कर रहा है। आप लोग देखिए, फ्रांस से बड़ी हमारी इकोनॉमी भी है, हमारी पॉपुलेशन भी है सेम, ये अपना इंग्लैंड से बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था भी है और पॉपुलेशन भी है, और भी कई चीज में, स्पेस टेक्नोलॉजी में और बधेरी है, ट्रेड में, मतलब कई ऐसी चीज है जिसमें भारत, जो मुख्य चीज है उसमें भारत आगे। तो अगर भारत को नहीं मिलता है यूएन में सीट तो क्या फायदा? अफ्रीका का नेतृत्व तो कई जगह पे भारत करता है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का नेतृत्व तो कई जगह पे भारत करता है। तो अगर इतने बड़े क्षेत्र को, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी क्षेत्रफल भी है भारत, ठीक है, और यूएस क्या नाम है, और यूके, फ्रांस, ठीक है, इन सबसे बड़ा हमारा क्षेत्रफल है, तो वाई नॉट भारत इन P5 नेशन? यूएनएससी मेंबरशिप में कोई एक रीजन भी नहीं है जिसकी वजह से भारत ना हो परमानेंट मेंबर। भाई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए। यार बाकी 123 देश जब कह रहे हैं, जब चाइना की एक नीम, अगर चाइना ये कह रहा है कि पाकिस्तान भारत ना बने तो ये तो गलत बात है। जब 123 की ना मानी जाए तो फिर इसका फायदा ही क्या, इस मीटिंग का फायदा ही क्या? जब 123 देश ये मान दे कि भारत को बनाया जाए तो क्यों नहीं बनाया जाए? और भारत ने कर दिखाया भाई साहब, पूरी दुनिया में कर दिखाया, जिधर भी कोई हादसा होता है सबसे पहले भारतीय पहुंचते हैं, किधर भी कोई भी वो होता है तो सबसे पहले भारतीय पहुंचते हैं, जिधर भी जाओ भारतीय, इंडियंस इंडियंस इंडियंस, और यही जो है ना गुस्सा हुआ है। और चाइना को छोड़ दिया है, आधे देशों ने चाइना को छोड़ दिया है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि यार भारत हो जाए, लेकिन उनका दिल कर रहा है कि भारत ही हो जाए, हमें हो जाए ना हो जाए एक ही बात है। तो इतना जो है ना भारत पावरफुल हो चुका है, तो यार आपको क्यों नहीं होना चाहिए यार, ब्यूटी पावर में इसको होना चाहिए नाम, इतना तरक्की फुल हो चुका है। और इन कई लोगों को जो है ना जला रहे, अभी ये 123 देश की अगर ना मानी गई तो फिर इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, और ये इतना डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दे रहे हैं, तो फिर भारत को निकल जाना चाहिए, क्योंकि इनको इतनी वो नहीं मिल रही, फिर क्या फायदा है? और हकीकत है भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि लोग हैरान हुए हैं कि यार इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, चाइना दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।